हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक क्लैम्पर। क्लैम्पर हमारा आज का टॉपिक है, तो आइए जानते हैं क्लैम्पर क्या होता है। फ्रेंड, क्लैम्पर एक तरीके का सर्किट है जिसमें कि रेजिस्टेंस, डायोड और कैपेसिटर होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन कुछ इसी तरीके से देंगे कि एक सर्किट यानी कि अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस, डायोड एंड कैपेसिटर, उसका जो वर्क होता है उसी की फॉर्म में हम इसका डेफिनेशन देंगे कि शिफ्ट अ वेवफॉर्म टू डिफरेंट डीसी लेवल विदाउट चेंजिंग अपीयरेंस ऑफ इनपुट सिग्नल। मींस एक ऐसा सर्किट जिसमें रेसिस्टेंस हो, यानी कि रेसिस्टेंस आर हो, डायोड हो और कैपेसिटर हो। ये डायोड है और कैपेसिटर हो, तो ऐसा सर्किट जो है वो क्लैम्पर सर्किट है। और इसका जो वर्क है वो क्या है, शिफ्ट करना आपके पास में जो आपका जो इनपुट वेव सिग्नल है उसको शिफ्ट करने का काम इसका होता है विदाउट उसकी अपीयरेंस को, यानी कि जो उसका फॉर्मेट है उसको बदले बिना सिग्नल को शिफ्ट करने का जो इसका वर्क होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, हम इसे लिखेंगे क्लैम्पर इज अ सर्किट ऑफ रेसिस्टेंस डायोड एंड कैपेसिटर। दैट शिफ्ट अ वेवफॉर्म टू डिफरेंट डीसी लेवल विदाउट चेंजिंग अपीयरेंस ऑफ इनपुट सिग्नल। देखिए फ्रेंड, एक सर्किट यहां पे ड्रॉ करता हूं। ये मैंने एक सर्किट लिया, इसमें मैंने कैपेसिटर को ड्रॉ किया और यहां मैं जो है इसके पैरेलल में जो है मैं डायोड यहां पर अटैच कर रहा हूं और इसके पैरेलल में एक रेसिस्टेंस यहां पर अटैच कर रहा हूं। ये दोनों टर्मिनल्स जो आपके पास में हैं, ये टर्मिनल्स इनपुट जो है टर्मिनल्स हैं और ये वाले टर्मिनल्स आउटपुट टर्मिनल्स हैं। सो यहाँ पर जो है हम इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, फिर इनपुट सिग्नल जो आपके पास में है वो हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट सिग्नल जो हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो एक आपको जो है कैपेसिटर, डायोड और रेसिस्टेंस का ये सर्किट दिखाई दे रहा है, उसको इसी को क्लैम्पर बोलते हैं। और इस सर्किट का जो यूज़ है वो क्या है, टू शिफ्ट अ वेवफॉर्म टू डिफरेंट डीसी लेवल विदाउट चेंजिंग अपीयरेंस ऑफ इनपुट सिग्नल। अब ये जो इसकी वर्किंग है, इस वर्किंग को हम जब इसका एक एग्जाम्पल लेंगे तो हम आपको समझाएंगे कि कैसे जो है ये एक वेवफॉर्म को जो है डिफरेंट डीसी लेवल पर लेके चला जाता है विदाउट चेंजिंग इसके अपीयरेंस को या फॉर्मेट को चेंज किए बिना। तो उससे पहले दोस्तों हम कुछ स्टेप्स के बारे में जानेंगे, ये स्टेप्स क्या हैं किसी क्लैम्पर सर्किट को सॉल्व करने के लिए हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ क्लैम्पर सर्किट, ठीक है दोस्तों, तो इसके कुछ स्टेप हैं। देखिए स्टेप फर्स्ट, हम यहां पर बात कर रहे हैं स्टेप फर्स्ट। फ्रेंड, स्टेप फर्स्ट जो है, इस स्टेप फर्स्ट में हम कंसीडर करेंगे कि आपके पास में जो इनपुट जो आप सिग्नल प्रोवाइड करवा रहे हो, ठीक है, उसके लिए यहां पर हम कंसीडर करेंगे जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में हो, यानी कि हम वेवफॉर्म बनाने के लिए या वेवफॉर्म को अलग डीसी लेवल पर ले जाने के लिए ये हमारा जो पहला स्टेप है वो ये रहेगा कि पहले हम उस पॉजिटिव या फिर नेगेटिव या फिर उस हाफ साइकिल का हम वेट करेंगे जिसके लिए डायोड जो है वो हमारा जो है डायोड ये फॉरवर्ड बायस में रहे। यानी कि यहाँ पर जो हमारा स्टेप फर्स्ट है वो यहाँ पर क्या होगा, कंसीडर पोर्शन ऑफ इनपुट फॉर विच
डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस. इन दिस केस कैपेसिटर विल चार्ज एंड आउटपुट बिकम जीरो. यानी कि ये जो केस हम ले रहे हैं इसमें ये डायोड आपके पास में फॉरवर्ड बायस में होगा, इस केस में आउटपुट में जो है कोई भी सिग्नल आपको नहीं मिलेगा, यानी कि आउटपुट जीरो आएगा स्टेप फर्स्ट के लिए, और यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा. देखिए कैसे, सपोज कीजिए आपके पास में जो है ये वाला डायोड, जो है ये वाला डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में आ गया तो ये एज ए जो है शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, यानी कि शॉर्ट सर्किट यहाँ पर हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट अगर हो गया तो जो भी आपके पास में सिग्नल है वो आगे की तरफ नहीं पहुँच पाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस लोड रेजिस्टेंस पर नहीं पहुँच पाएगा, तो आउटपुट हमें जीरो मिलेगा और जो जितना भी वोल्टेज है वो सारा का सारा जो है इस कैपेसिटर पर लोड हो जाएगा, यानी कि ये चार्ज हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में कंडीशन क्या रहेगी, इन दिस केस कैपेसिटर विल चार्ज एंड आउटपुट बिकम जीरो. ठीक है, ये हमारा स्टेप फर्स्ट है. दोस्तों स्टेप फर्स्ट के बाद में बात करते हैं स्टेप सेकंड की. स्टेप सेकंड में क्या होगा दोस्तों, हम जब ये कैलकुलेट कर चुके हैं कि आपके पास में आउटपुट में जो है कोई सिग्नल नहीं आएगा, आउटपुट का जो सिग्नल की वैल्यू जीरो रहेगी, अब जब कैपेसिटर जब चार्ज होगा तो कैपेसिटर पर वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट वोल्टेज ऑन कैपेसिटर. हम कैपेसिटर पर वोल्टेज की वैल्यू जो है यहां पर कैलकुलेट करेंगे, यह हमारा स्टेप सेकंड रहेगा. स्टेप थर्ड की बात करते हैं. स्टेप थर्ड देखिए क्या होगा. स्टेप थर्ड हम यहाँ पर स्टेप थर्ड में जो आपका पास में जो नेक्स्ट साइकिल आएगा, ये हमारे पास में जो फर्स्ट पॉजिटिव जो आपके पास में जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी साइकिल होगा जिसके लिए डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा, उस वाले जो है बायस के अंदर ये हमारे पास में ये दोनों केस या स्टेप हम जो है करेंगे. और जो थर्ड स्टेप है ये हमारे पास में इस हाफ साइकिल के नेक्स्ट वाला जो हाफ साइकिल होगा, यानी इन नेक्स्ट हाफ साइकिल आपके पास में ये वाला केस होगा. इन नेक्स्ट हाफ साइकिल हम जो है आउटपुट कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेट आउटपुट व्हेन डायोड इज इन रिवर्स बायस. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास में फॉरवर्ड बायस में पहला स्टेप है, तो उसके बाद में नेक्स्ट जो बायस होगा वो आपके पास में रिवर्स बायस ही होगा, तो रिवर्स बायस में जो हम यहाँ पर आउटपुट को जो है यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. ये हमारे तीनों स्टेप हैं. अब हम एक एग्जांपल लेंगे और जो भी हमने स्टेप सीखे हैं या जो भी हमने क्लैंपर्स जो सर्किट है का जो वर्किंग हमने जाना है इसको हम जो है यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे. फ्रेंड अब हम जो है एक क्लैंपर सर्किट लेंगे और उस सर्किट को सॉल्व करना हम सीखेंगे यहाँ पर, जो हमने स्टेप सीखे हैं इन तीनों स्टेप से हम करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर सर्किट ले रहे हैं क्लैंपर सर्किट, इसमें की कैपेसिटर है, डायोड है और लोड रेसिस्टेंस है. जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में डिस्कस किया कि कोई भी क्लैंपर सर्किट जो है तीन तरह के एलिमेंट से मिलकर बना होता है, कैपेसिटर, डायोड और रेसिस्टेंस. तो हमने यहाँ पर तीनों ही जो एलिमेंट ले लिए हैं. ये टर्मिनल्स इनपुट टर्मिनल्स है और ये टर्मिनल्स आउटपुट टर्मिनल्स है. लेट सपोज हमारे पास में जो सिग्नल हमें इनपुट में गिवन है वो एक तरीके का स्क्वायर वेव फॉर्म है. ये मैंने इनपुट सिग्नल के लिए जो यहाँ पर मैं वेव फॉर्म जो ड्रॉ कर रहा हूँ और ये मैंने यहाँ पर स्क्वायर वेव फॉर्म जो है ड्रॉ किया है यहाँ पर, कि इनपुट जो आप प्रोवाइड करवा रहे हो यहाँ पर इस क्लैंपर सर्किट में वो एक इनपुट सिग्नल है, क्योंकि उसमें वो एक स्क्वायर वेव फॉर्म जैसा है, स्क्वायर वेव फॉर्म मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है. तो हमें बताना है इसको सॉल्व करके कि कैसा इसका वेव फॉर्म होगा, यानी आउटपुट वेव फॉर्म हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है. देखिए फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर नजर डालेंगे जो हमारा इनपुट सिग्नल है उसके फर्स्ट हाफ साइकिल पे. तो फर्स्ट हाफ साइकिल आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है. और पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो डायोड है इसका ये वाला जो टर्मिनल है जो आपके पास में पी जो पार्ट है ये पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगा और जो एन पार्ट है वो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होगा. यानी कि जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपके पास में जो फर्स्ट जो हाफ साइकिल है सबसे पहले, तो फर्स्ट हाफ साइकिल जो है वो है एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है. और दूसरी बात जो डायोड है वो इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कैसा है,
फॉरवर्ड बायस में है। तो दोस्तों हमने फर्स्ट स्टेप में यही किया था कि सबसे पहले हमें फॉरवर्ड बायस वाला एक हाफ साइकिल जो है वो उसको चूज करना है, ठीक है। और उसके बाद में हमने ये बात की थी कि फॉरवर्ड बायस में ये डायोड जो है ये शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि डायोड क्या करेगा फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा, और शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करने पर जो आउटपुट जो आपके पास में आने वाला है वो जीरो आएगा, यानी कि यहाँ पर इस केस में आउटपुट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर किरचॉफ के लॉ के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर हम वोल्टेज के लिए यहाँ पर अगर लिखें तो देखिए अगर हम वोल्टेज के लिए यहाँ पर अगर इक्वेशन लिखते हैं तो लेट सपोज यहाँ पर कैपेसिटर पर वोल्टेज वी सी है, देन जो इक्वेशन होगी वो होगी इनपुट सिग्नल यानी कि वी आई माइनस वी सी, और इसे हम लिख पाएंगे माइनस ऑफ वी नॉट इज इक्वल टू आपके पास में जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर वी नॉट जो है वो जीरो है, आउटपुट आपके पास में जीरो आ रहा है, ठीक है, ये वाली जीरो है। सो वी आई जो वी सी के इक्वल हो जाएगा, और ये जो आपके पास में जो सिग्नल है इनपुट सिग्नल इसका जो मैक्सिमम मान है या मैक्सिमम जो वैल्यू उसको हम वी एम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं, तो जो वी सी की वैल्यू है वो हो जाएगी वी एम, यानी कि जो कैपेसिटर है वो इनपुट सिग्नल के मैक्सिमम मान तक जो है चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये वी सी यानी कैपेसिटर का वोल्टेज है और जो कैपेसिटर है वो मैक्सिमम वैल्यू तक जो है चार्ज हो चुका है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमने फॉरवर्ड बायस वाला जो है पोर्शन हमने सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद में हमने सेकंड स्टेप में जो है यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप है, और सेकंड स्टेप में हमने जो है कैपेसिटर पर वोल्टेज जो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके नेक्स्ट जो स्टेप था थर्ड स्टेप, उसमें हमने कैलकुलेट किया करना होगा हमें आउटपुट वाला वोल्टेज। तो अब जो आपके पास में नेक्स्ट जो साइकिल आएगा वो है नेगेटिव हाफ साइकिल, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आप जानते हो कि ये वाला जो पी पार्ट जो है नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होगा, और जो एन पार्ट वो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगा, यानी डायोड जो है वो यहाँ पर आ जाएगा बैकवर्ड बायस यानी कि रिवर्स बायस में जो है डायोड आपके पास में होगा, यहाँ पर रिवर्स बायस में डायोड होगा, और रिवर्स बायस में डायोड जो है वो एज ए ओपन सर्किट बिहेव करता है, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट का मीनिंग हो गया कि यहाँ पर इस वाले जो आपके पास में एलिमेंट में जो है करंट फ्लो नहीं होगा, सिग्नल जो है फ्लो नहीं होगा। तो इस वजह से जितना भी इनपुट आप जो है टर्मिनल्स पे प्रोवाइड करोगे वो सारा का सारा लोड रेसिस्टेंस पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास बनेगी, जो यहाँ से दोबारा से रीराइट करें तो वी आई माइनस वी सी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप वी आई इज इक्वल टू हो जाएगा वी सी प्लस वी नॉट, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आउटपुट सिग्नल को निकालने की तो आउटपुट आपके पास में हो जाएगा वी आई माइनस वी सी इज इक्वल टू वी नॉट। तो अगर आप यहाँ पर वी नॉट निकालना चाह रहे हैं तो देखिए ये एक जो है नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के आप इसे नेगेटिव वी आई लिखेंगे, और इसका मैक्सिमम जो आपके पास में वैल्यू आप ले रहे हो वी एम ले रहे हो तो इसे लिखेंगे नेगेटिव वी एम, तो हो जाएगा नेगेटिव वी एम। और जो वी सी आपके पास में आया है वो आया है यहाँ पर वी सी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया वी एम यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज, तो नेगेटिव वी एम ही हो जाएगा। तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो भी ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज नेगेटिव ऑफ टू वी एम, यानी कि जो आपके पास में नेक्स्ट जो नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा उसमें वैल्यू डबल हो जाएगी, जो इनपुट सिग्नल है उसकी डबल वैल्यू आपको मिलेगी, एक वोल्टेज जो आपके पास में इनपुट से आएगा और एक आपके पास में आएगा कैपेसिटर से, तो यहाँ पर वैल्यू डबल हो जाएगी। तो जो वेवफॉर्म बनेगा यहाँ पर वो बनेगा कि फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए तो इसे आप जो है यहाँ पर जीरो ले लोगे, ठीक है, और सेकंड के लिए आप इसे डबल ड्रॉ कर दोगे, इस तरीके से डबल हाइट वाले से ड्रॉ करोगे आप नेगेटिव में, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि नेगेटिव टू वी एम है, ओके। और जो नेक्स्ट आपके पास में हाफ साइकिल आएगा उसमें आपके पास में ये फिर से जो है कैपेसिटर चार्ज होगा, ठीक है, यानी कि हमें कोई भी जो है सिग्नल हमें नहीं मिलेगा, उसके बाद फिर से ये डबल हमें मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसा जो है अब चलता रहेगा आगे की तरफ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो आपके वेव फॉर्म आपको जो मिल रहा है ये अभी भी स्क्वायर वेव फॉर्म ही है, लेकिन शिफ्ट यहाँ पर हो चुका है, अपीयरेंस जो है सेम है लेकिन यहाँ पर वेव फॉर्म जो शिफ्ट हो चुका है। जो ऊपर वाले जो पॉजिटिव आपके पास में हाफ साइकिल वाले जो वेव फॉर्म था वो यहाँ पर नेगेटिव में ही जो है शिफ्ट हो गया है। तो यही आपके पास में क्लैंपर सर्किट है, और इसकी जो वर्किंग आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये एक जो है वेव फॉर्म को शिफ्ट कर रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स अपीयरेंस, यानी अपीयरेंस को चेंज नहीं कर रहा है, स्क्वायर वेव फॉर्म अभी भी बना हुआ है ये, लेकिन इसने जो है शिफ्ट यहाँ पर कर दिया है वेव फॉर्म को, ठीक है दोस्तों। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी भी लेक्चर में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर से लाइक शेयर कमेंट करें, और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इसे जरूर से सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।